नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील धाकड़ में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोयाबीन के भाव के बारे में। तो सभी किसान भाइयों को यह तो पता ही है कि पिछले 2 से 3 महीने के भीतर सोयाबीन की फसल में कितनी तेज़ी आपने नोट की है, और आने वाले समय में यह तेज़ी बरकरार रहती है या ज़्यादा और ज़्यादा रहती है या कम हो जाती है, इस वीडियो में हम बात करने वाले। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि खेतीबाड़ी से ऐसे ही जुड़ी हुई नई नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। और दोस्तों, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों को शेयर करना, ताकि उनको भी इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी का पूरा पूरा लाभ मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो लगभग सभी किसान भाइयों को यह तो पता ही है कि पिछले 2 से 2.5 महीने के भीतर ही सोयाबीन में कितनी तेज़ी या उछाल, हम कह सकते हैं एक तरीके से बम्पर उछाल देखी गई है। करीबन भाव इस साल 10,500 रुपये से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 10,500 रुपये तक किसान भाइयों को सोयाबीन की रेट मिल चुकी है। तो दोस्तों, आने वाले समय में भी सोयाबीन का भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि अभी जो निरंतर भाव बढ़ रहे हैं उसके कारण क्या हुआ है कि जो भंडारण रहता है, जब हम किसी भी फसल का भंडारण करते हैं तो वह किसान भाइयों भंडार पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। और अभी क्या है कि सोयाबीन की फसल की बहुत ज़्यादा भंडारण में बहुत कमी देखी जा रही है। इसके कारण जो आने वाले सोयाबीन है, जो करीबन 20 से 25 दिन के भीतर मार्केट में सोयाबीन नई फसल आ जाएगी, तो इसका भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। करीबन मेरे हिसाब से, मेरी निजी जानकारी है कि अक्टूबर के फर्स्ट से लेकर नवंबर के एंड तक जो सोयाबीन की तेज़ी है वह 15 से 16 हज़ार के पार भी जा सकती है, और निश्चित तौर से यह जाएगी, क्योंकि इस साल क्या हुआ है दोस्तों कि जो सोयाबीन की फसल है उसकी पैदावार बहुत ही कम हुई है, और ज़्यादातर जगहों पर मानसून के ना पहुंचने या ज़्यादा पहुंचने के कारण सोयाबीन के फसल में बहुत ही कमी देखी गई है, और उतना उत्पादन भी नहीं हुआ है जितना कि हर साल हमारे देश में उत्पादन होता है, और दूसरे देशों में भी इसी तरह के हालात है। इसी कारण से मैं मेरी तरफ से पूरा कह सकता हूँ कि इस साल सोयाबीन के भाव में तेज़ी ज़रूर आएगी। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय भारत। धन्यवाद।